हेलो एवरीवन, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने पूजा के लिए येलो और रेड कलर की साड़ी पहनी है, दोनों ही शुभ होते हैं पूजा के लिए। तो मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से तैयार पूजा के लिए, और धनतेरस की शॉपिंग हो गई, छोटी दिवाली के दिए जल गए, और आज है बड़ी दिवाली। मेन दिवाली आज के दिन तो हो चुके हैं तैयार, और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैंने सिंदूर लगाया है, बिंदी बिंदी वाला। और बस अब पूजा स्टार्ट करते हैं नीचे चल के। तो ये देखिए, 7 दिए मैंने घी के जलाए हुए हैं, और अखंड दिया मैंने लक्ष्मी माता का जलाया हुआ है। ये मेरे छोटे से प्यारे से गणेश लक्ष्मी जी, तो इनकी होने वाली है पूजा। तो मैं थोड़ा सा मुंह उनका ढक गया था गणेश जी का, तो मैं उसको ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा बहुत ही अच्छा सा मंदिर, जहाँ करने वाले हैं हम सब लोग पूजा, सब परिवार मिलके पूजा करेंगे। तो मैंने सारी तैयारी कर दी है, और मम्मी जी ने सब विधिवत लगा कर रख दिया है। तो पूजा स्टार्ट करते हैं। तो हमने कर लिए गणेश वंदना, इसके बाद मैं कर रही हूँ लक्ष्मी वंदना, राम वंदना, और जो है कुबेर वंदना, मतलब 5 वंदनाएँ गाती हूँ मैं। तो जो है मैं किताब की मदद से गा रही हूँ, क्योंकि सारी नहीं याद रहती है, बच्चे भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। और वैसे पापा जी हर साल पूजा करते हैं, बट पापा जी के हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मम्मी सारा काम कर रही हैं, बड़ी हैं, तो मम्मी को ही करना है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े ही करते हैं, और बड़ों से किया की हुई पूजा मतलब सफल होती है और अच्छी रहती है। तो आप लोग भी अपने घर के बड़ों से पूजा करवाया करिए। तो सारे खेल बतासे मिठाइयाँ जो कुछ है सब मतलब नीचे विधिवत लगा दिया गया है। ये मम्मी कमल गट्टा जो होता है वो अर्पण कर रही लक्ष्मी मैया को, हमने कमल भी अर्पण किए, और जो जो मतलब जो चढ़ाया जाता है माता रानी को दिया जाता है, तो वो सब हमने चढ़ा दिए, और सारे दिए जो हैं वो जला दिए हैं। अब पापा से भी कहेंगे कि पापा आप भी कर लीजिए, कि मम्मी पूजा कर चुकी है, और मैं तो आरती गा रही हूँ, लगातार 5 आरतियाँ गाती हूँ मैं। लक्ष्मी पूजन पर ही जो धनतेरस पे जो भी ख़रीदा जाता है, बर्तन, सोना, चांदी, जो भी आप ख़रीदते हैं उसकी भी पूजा किया करिए। तो मैंने जो है क्या नाम, जो भी धनतेरस पे ख़रीदा, मैंने बर्तन ख़रीदे थे, मैंने गोल्ड भी ख़रीदा था और सिक्का भी ख़रीदा था, तो वो सब जो है मैंने लगा दिया। और मेरे बच्चे जो है पूजा के साथ साथ भोग लगा रहे हैं, साक्षात कृष्णा आए हुए हैं, शैतानी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप देख सकते हो। बस यही चाहिए घर में, यही होना चाहिए, समझ लीजिए खुशहाली है हमारे घर में। तो मेरे बड़े बेटे छोटे बेटे दोनों मस्ती कर रहे हैं, खुश हैं, यानी हमारे प्रभु हमसे खुश हैं, और बस वो भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं दोनों। तो हमारी पूजा तो ऐसी सफल हो गई, और सामने दिए रखे हैं, जब जो आरती हो जाएगी उसमें, उसके बाद उसमें तेल भर के हम सब जगह चढ़ा देंगे, जो है जहाँ जहाँ लगाने हैं वहाँ वहाँ लगा देंगे। तो मैं तो जो है क्या नाम पूजा विधिवत करती जा रही हूँ, आरतियाँ गाती जा रही हूँ, और मम्मी अपने मतलब अपने उससे सारे काम करती जा रही हूँ। अब आगे मेन जो है आरती की बारी, तो पापा आ चुके हैं, बस पापा का थोड़ा सा जो है बायां हाथ जो है नहीं, वो थोड़ा सा दिक्कत देता है हल्का सा, बाकी आप सबकी ब्लेसिंग इतनी अच्छी है कि जो है पापा कर लेते। तो देखिए पापा भी पूजा कर रहे हैं, और बस इसीलिए जो है पापा बहुत देर खड़े होने में भी थोड़ा सा उनके पैर दर्द करने लगते हैं, इसीलिए सारे काम मम्मी कर रही हैं। क्योंकि आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो हमारे यहाँ पंडित जी का कह जो है पापा करते हैं, तो इस बार पांडित्य का कार पापा नहीं कर पाए हैं, इस बार पांडित्य का कार मम्मी जी कर रही हैं। तो माता लक्ष्मी से, कुबेर प्रभु जी से, और धन्वंतरी जी से, गणेश भगवान जी से सबसे प्रार्थना ये है कि अच्छे से हमारा घर परिवार जो है खुश रहे, खुशहाल रहे, धन संपदा हमारे घर में बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। तो मेरे पति परमेश्वर जो है वो भी जो है आरती कर रहे हैं, और जो है हम लोग सब लोग मतलब और सब कर चुके हैं, अब इनकी बारी है, इसके बाद मैं भी इनका साथ देने पहुँच जाऊँगी। तो जो है
मैंने इन्हें भी मैचिंग मैचिंग आई येलो येलो कलर की शर्ट पहनाई है, क्योंकि पूजा में ना मोस्टली रेड और येलो ही चलता है तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलिए हम लोग मैचिंग वाले कपड़े पहन लेते हैं। तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि जो यहाँ पे ऐसे लगाइए ऐसे करिए, और मैं उनका साथ देने आ गई हूँ। अब हम मिल के आरती करेंगे, क्योंकि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप मिलकर ही की माता रानी की आरती करिए, जो जलाइए उसका अलग ही मतलब एक अच्छा जो है प्रणाम मिलता है, आपकी विश पूरी होती है। तो आप इस तरह से कर सकते। तो हमारी दिवाली बहुत ही अच्छी रही, जो है पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई। अब इतनी लॉन्ग वीडियो तो नहीं बना सकते, उसे काट काट के हम बना सकते हैं। तो ये देखिए हम दोनों एक साथ जो है सबकी आरती कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जो है वीडियो भी देखा करें, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए हैं। पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे आईडी हैक जैसे हो जाती है, इस तरह से हो रखा है। बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पहले तो थोड़ा बहुत आ भी जाते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो मन ही नहीं करता बनाने का वीडियो, सच बता रही हूँ। तो जो है इसीलिए मैंने धनतेरस की शॉपिंग भी करी, सब कुछ किया, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया बिल्कुल भी, मन ही नहीं करा। मैंने कहा चलो बस दीपावली का वीडियो बना के दे देती हूँ। जो है मैंने धनतेरस का वीडियो इसीलिए नहीं बनाया है कि क्या क्या मैंने ख़रीदा, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो ये देखिए दिए जलाने शुरू कर दिए हैं मेरे पति परमेश्वर जी ने, बढ़िया प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं, और बस हमारी पूजा जो है सम्पन्न हो चुकी है। और दिए हम सब जगह हर कोने में जो है रख देंगे, और अखंड दिया हमारा जल रहा है, लक्ष्मी गणेश जी का प्यारा सा मंदिर है मेरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्यूटीफुल टैलेंट नाम से ये प्यारा सा चैनल है आप सबके लिए, जिसमें मैं फैमिली व्लॉग्स लेके आती हूँ। और अच्छे से दर्शन कर लीजिए लक्ष्मी गणेश जी के और कार्तिक कुबेर जी के, धन्वंतरी जी के, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये देखिए मेरे घर की बिल्डिंग में लाइट लगी हुई थी, आधी बंदरों ने काट दी, ये रहे मेरे जो है मैं जला रही हूँ पटाखे। मुझे डर नहीं लगती तो मैं पटाखे वगैरह जला लेती हूँ। बच्चे के साथ दिवाली मनाने की अलग ही बात होती है। छोटा वाला देखिए दरवाजे के पास बैठा है, इतनी उसको मज़ा आ रही है देख के। तो मैं ये देखिए अनार फोड़ रही हूँ, तो मैं फोड़ लेती हूँ, मैं बम बम सब फोड़ लेती हूँ। मतलब मुझे शौक है पटाखे जलाने का। और ले आओ अनार, और ले आओ, मैं जला दूँ सब। मेरे तुम्हारे हस्बैंड जी ने दिया दिवाली पर प्यारा सा गिफ्ट।